दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाले KSSC T20 का जो कि डे ऑफ टडे का फर्स्ट मैच खेला जाएगा और ये सीरीज भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो आप लोग स्मॉल लीग रैली दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मैच है गुलबाग मिस्टिक्स वर्सेस मैसूर वॉरियर्स का मैच है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। लेकिन फाइनल टीम के लिए ऐसे में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो फाइनल टीम के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे फाइनल स्मॉली टीम शेयर कर दो, ग्रैली टीम शेयर कर दो, डेडलाइन से 15 मिनट पहले। सबसे सेंड सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दो कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू डेली हम चाहे ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आप उसके थ्रू कर सकते हो। दोनों लिंक 100% काम करते हैं, बट मैं प्रीफर करूँगा सबसे जो सेंड सबसे बेस्ट मेथड है, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूँगा। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम सर्च पर जाना, सर्च करना ऐप 11 टीम आप सर्च करो बिना स्पेस देके, तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे करीब 41,000 से ज़्यादा लोग हैं, 41,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन, आपको फाइनल स्मॉल टीम शेयर करते, तो हर एक मैच यहाँ पे कवर करते, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डेली फ्री विनिंग टीम, जहाँ पे डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड करते, तो डेडलाइन से 15 मिनट पहले ऑफिशियल ज्वाइन करना, लिंक के थ्रू, लिंक 100% काम करते, 41,000 से ज़्यादा लोग हैं, ऑफिशियल ज्वाइन करना। अरे दोस्तों, ये ना देखोगे तो ये मैच ना डे ऑफ टडे का फर्स्ट मैच और सीरीज का 27th मैच खेला जाएगा ये, और ये मैच ना चिन्नी स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, बेंगलुरु में खेला जाएगा। एंड सभी को पता है पिच रिपोर्ट, तो एंड बात करते हैं पिच रिपोर्ट। देखो, हर कोई जानता है कि चिन्नी स्वामी के स्टेडियम एक बैटिंग फ्रेंडली होता है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, तो आपको ठीक ठाक स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप बैलेंस विकेट मान के चल सकते हो, लेकिन शॉर्ट बाउंड्रीज है, तो जो बैट्समैन टिक जाएगा, जो हिटर्स लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस विकेट पे, शॉर्ट बाउंड्रीज है। एंड बात करते लास्ट 5 मैचेस, तो मैं बता दूँ, और अब देखोगे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैचेस जीते थे और बॉलिंग करने वाली 3 टीम, यानी कि चेसिंग काफ़ी इजीली हो जाता है। या इस विकेट पे जो फर्स्ट इनिंग जो एवरेज स्कोर बनता है 159, इस विकेट पे 159 रन इस विकेट पे ऐसे ही बन जाते हैं। तो यानी कि मान के चलिए पिच थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली है ज़्यादा, क्योंकि एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग इतना बन रहा है और चेसिंग भी हो जाता है। उसके अलावा बात करते हैं दोनों टीम्स का प्रोवेल लाइनअप्स, अगर देखो रिसेंट फॉर्म, तो ये 2 मैचेस लॉस करके आ रहे हैं और ये भी 2 मैचेस लॉस करके आ रहे हैं। एंड बात करते हैं सबसे पहले गुलबार्ग मिस्टिक्स का जो कि लाइनअप्स होनी चाहिए, जसवंत अर्चर ओपनिंग करेंगे, देवदूत पाटिकल के साथ ओपनिंग करेंगे, रोहन पाटिल जो कि वर्नर बैटिंग करेंगे, कृष्णा सिजाज जो कि टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, प्लस टीम से फोन बैटिंग करेंगे, मनीष पांडे फिर बैटिंग करेंगे, उसके अजित कार्तिक जो कि टीम उधर से बहुत टैलेंटेड बना, लास्ट में शायद मैन ऑफ द मैच किया था, मैंने बोला था आप इनके साथ कैप्टन जा सकते हो, मनोज बनर्जी खेलते जब आ जाएगा टीम उधर से, हितेश वर्टिकल, शेष आचार्य, उसके लिए टीम से कौशल, और उसके लिए विद्वात। तो दोस्तों, ये है गुलबार्ग मिस्टिक्स का लाइनअप्स विद बैटिंग ऑर्डर। एक चेंज हो सकता है कि जसवंत ओपन ना करे, ओपन कर सकते रोहन पाटिल, ओपन करें देवदूत पाटिकल के साथ। एंड बात करते हैं, कोई इंसिडेंट न्यूज़ वगैरह नहीं है, बात करते हैं मैसूर वॉरियर्स का जो कि होनी चाहिए, ओपन करेंगे आदित्य गोयल, ओपन करते टीम उधर से निहाल उल्लक के साथ ओपन करेंगे, नितिन विल्लर फोन ओवरनर बैटिंग करेंगे, पवन देशपांडे फोन ने बैटिंग करेंगे टीम उधर से, करुण कैप्टनसी कर रहे फिर ना बैटिंग करेंगे, उसके अलावा हेडेज जो कि टीम से काफ़ी अच्छे प्लेयर कन्फर्म, चार ओवर बॉलिंग पाता है, प्लस टीम से हर मैच चार ओवर बॉलिंग पाता है। उसके अलावा टीम से भरत दौड़े खेलते हैं पाँच टीम से, विद्याधर पाटिल जो कि टीम से काफ़ी विकेट टेकी प्लेयर, प्रतीक जैन, शेष गोपाल, शिवराज। तो ये है मैसूर वॉरियर्स का लाइनअप्स या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है कि आदित्य गोयल जो टीम से काफी अच्छे प्लेयर है वो ओपन नहीं करेंगे, बट कंफर्म 4 ओवर बॉलिंग पा रहे हर एक मैच में, लेकिन ओपन नहीं करेंगे, एनुला ओपन करेंगे नितिन विल्लर के साथ, वर्नर पवन देशपांडे फोन पे करुण नायर, ऐसा होगा, ठीक है। एंड बात करते हैं बाकी जो अपडेट्स है टेलीग्राम पे, जो से इन्फॉर्म करूं तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, जहां पे करीब 41,000 से ज्यादा लोग एक्टिव है, ठीक है, 41,000 से ज्यादा लोग, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूंगा, अगर सर्च करना हो तो सर्च करना टेलीग्राम के सर्च बार में ऐप 11 टीम, सर्च को एफलेवन टीम, तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे करीब 41,000 से ज़्यादा लोग हैं। एंड बात करते हैं प्लेयर वाइज साइन लिस्ट, वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, बाकी देखो ये एक और मैच है नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के, उसे देखूंगा वीडियो, फिर आज संडे भी है, मन नहीं था काम करने का, बट फिर भी करना पड़ेगा। बात करें विकेट कीपर से, लेकिन उससे पहले उस वीडियो को जूस लाइक, जैसे मोटिवेशन मिलता है प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सबसे पहले को ऑन और पीछे आने वाले वीडियो से सबसे पहले को नोटिफिकेशन मिले। बात विकेट कीपर से, 3 अच्छे ऑप्शन थे और एक से एन मिलने जो कि ओपनिंग करेंगे टीम उधर से, एन उल्ला दोनों साथ ओपन करेंगे टीम उधर से, और टीम से फोन पे क्रिस्टस सिजाद जो कि टीम से था फोन ना बैटिंग करें, क्रिस्टस सिजाद को जाओ तो कवर कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के एन उल्ला जो कि काफ़ी अच्छे हिटर है और शॉर्ट बाउंड्रीज है, तो इंपॉर्टेंट है टीम से मैं हिटर्स के साथ जाना ज़्यादा, फिर एन उल्ला काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, टिक के खेलते और हिटिंग अच्छे कर लेते हैं। एन मिलने वगैरह थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट आप इनको कवर कर सकते हो ग्रैली टीम में।
थोड़ा से नीचे बैटिंग को साइड कर सकते हो। उसके अलावा देवदूत पार्टिकल इंपॉर्टेंट है। करुण नायर अब देखो ड्रॉप तो नहीं कर सकता अगर पहले बैटिंग हो तो, या फिर पहले बॉलिंग भी ड्रॉप नहीं कर, क्योंकि पिच बैटिंग फ्रेंडली, थोड़ा सा शॉर्ट बाउंड्री से इनको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। मनीष पांडे जो कि इनकी बैटिंग भी आ ही जा रही हो, टीम से भी थोड़ा सा फॉर्म में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे बैटिंग क्यों करे पता नहीं। आदित्य गोयल चाहो तो कवर कर सकते हो, लेकिन हर मैच में देखिए अच्छे प्लेयर है, हर मैच बॉलिंग पा रहे हैं, लेकिन लास्ट देखोगे मैच में तो ये मतलब विकेट लेस गए थे, लेकिन अच्छे प्लेयर ओवरऑल, लेकिन मैं फिर नहीं कहता भी साइड रखते। नीचे कुछ खास है नीचे जसवंत है टीम से, काफ़ी अच्छे प्लेयर टीम में से, चाहो तो पिक कर सकता वर्नर बैटिंग करेंगे, जो रिश्ते करे मनीष पांडे जब पिक कर लेंगे। उसके अलावा सुरेश गोपाल इंपॉर्टेंट, पवन देशपांडे इंपॉर्टेंट है, पार्ट टाइम बॉलर भी टीम में से, हालांकि बॉलिंग अभी नहीं पा रहे, लेकिन अच्छे बॉलर टीम में से, सॉरी अच्छे ऑलराउंडर है। उसके अलावा आर वर्टिकल भी कैचअप है, हाई साइड इज इंपॉर्टेंट। नीचे देखोगे तो देखने को मिलेगा रोहन पाटिल जो कि अच्छे प्लेयर ओपन करते हैं देवदूत पाटिकल के साथ, आप जो तो पिक कर सकते हो, पहले मेन प्लेयर से फोकस करते हैं, ठीक है, इनको बाद में पिक करेंगे। उसके अलावा प्रतीक जैन हर मैच में टीम तरफ से काफ़ी अच्छा प्लेयर है, हर मैच विकेट ले जा रहा है, बट टीम की तरफ से ना इन बॉल से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा बॉलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इनका लक साथ नहीं दे रहा एंड विकेट ले जा रहे हैं। सी ए कार्तिक इंपॉर्टेंट है टीम तरफ से, उसके अलावा वी कैरप इंपॉर्टेंट है के नीचे, तो वी पाटिल इंपॉर्टेंट, तो ओवरऑल टीम बन चुकी है। और अभी मेरे पास 10 किट बच रखा है, तो इसके इस पर चाहो तो आप कहीं से प्लेयर बढ़ा सकते हो, विकेट कीपर चाहो तो बढ़ा सकते हो, बैटिंग में कुछ खास तो नहीं है तो ऑलराउंडर सब बढ़ा सकते हो, जैसे कि बॉलिंग में तो देखो तो कुछ खास ही नहीं सिवाय के बढ़ाने वगैरह, बट साइड है तो कुछ प्रतीक जैन है, बट मैं प्रेफर हुआ रोहन पाटिल, वह भी मतलब कि देखो शॉर्ट बाउंड्री से अच्छी हिटिंग कर लेते और रिसेंट मैचेस से सबके कैप्टन थे, तो मैं इनके साथ ही चाह रहा हूँ कि रोहन पाटिल, हालांकि बॉलिंग नहीं पाते, रोहन पाटिल से ध्यान रखिएगा। तो ये अपने हिसाब से लोडीज़ का, अगर आपको लगता है कि रोहन पाटिल को हम पिक नहीं करने हैं, आप इनके जो पे पिकर्स एनविले वगैरह को पिक कर सकते हैं, या फिर आदित्य गोयल जो कि बॉलिंग में आते हैं। कैप्टन स्टेप्टन बात करें तो 3-4 सबसे बेटर ऑप्शन है। देखो शॉर्ट बाउंड्री से देवदूत पाटिकल को सपोर्ट मिल सकता है, मनीष पांडे की बैटिंग आई तो ये देखो लास्ट उसे पाटिकल टिक के खेल रहा था, आउट नहीं, मनीष पांडे के साथ बैटिंग आ गया था, बट ये आउट हो ही नहीं रहते, अच्छे प्लेयर मेरे हिसाब से कैप्टन प्रबल दावेदार है। वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन जा सकते सुरेश गोपाल के साथ जा सकते, एस एडेज के साथ जा सकते, पवन देशपांडे भी सी रहेगा, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगी, तो ये दो सबसे बेटर ऑप्शन है सीवीसी के लिए। तो फिलहाल के मैं जो कैप्टन है देवदूत पाटिकल है, कैप्टन की थोड़ा सा देखो फॉर्म में चल रहे, जल्दीबाजी नहीं कर रहे आजकल, तो ऐसे कैप्टन जा रहा हूँ। वाइस कैप्टन सुरेश गोपाल के साथ जाओ या फिर एस एडेज के साथ, मैं एस एडेज अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ। वो बात अलग, गोपाल ने लास्ट में 3 विकेट भी लिया था और रन भी स्कोर किए थे, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी इनकी टीम तो हार ही गई, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी इनकी टीम हार गई। तो अपना वाइस कैप्टन देखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको एस एडेज के साथ नहीं जाना है, मतलब कि हमें पिक करना है, वाइस कैप्टन सुरेश गोपाल के साथ भी जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से मेरी रिस्क लेना चाहिए तो मैं रिस्क लेके खेल लो। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल ही खेलूंगा, सेम टीम से जा सकते तो अमाउंट अभी आप इन्वेस्ट करने, जो टीम है हेड टू हेड्स लेके आप 10 मेंबर्स यूज़ कर लेना। मैं अपना सीवीसी कंफर्म टेलीग्राम पे करूँगी, अभी तक डेमो टीम क्रिएट कर तो ज़्यादा कुछ सोच रहा, आफ्टर टॉस काफ़ी कुछ मैटर करेगा, तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पे करूँ, तो फाइन टीम टेलीग्राम चैट पे एक्टिव रहना, जहाँ पे 41,000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो सेम टीम से जाओ इन्वेस्टमेंट करने, बाकी मैं ग्रैनी टीम में करुण नायर को और देवदूत पाटिकल को दोनों को रोटेट के लिए, ऐसे कैप्टन देवदूत पाटिकल, वाइस कैप्टन करुण नायर, साथ ही साथ अपने टीम में रोहन पाटिल को सीवीसी रोटेट के लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, क्या पता ऐसे 30-40 से स्कोर कर दे, इसलिए मैं इसको इनको पिक कर रहा हूँ। तो सेम टीम साथ अमाउंट में इन्वेस्ट करने जाओ, कोई चेंजेस होगा तो फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाया हो और ये मैच भी बता सही है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, एवरेज ही करना। मिलता है टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, जब तक तो वीडियो जूस लाइक कर रहे थे चाहे सब्सक्राइब अकाउंट का और पे सेट कर दो, काफ़ी क्लोज है 20 की फैमिली के लिए पता है बहुत ज़्यादा, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, बैटिंग ऑर्डर वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे सेट कर दूंगा, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना।